केरल राज्य में एक बेहद शर्मनाक और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। केरल के साइलेंट वैली फॉरेस्ट में एक गर्भवती हथिनी मानव क्रूरता का शिकार बन गई। दरअसल एक मादा हाथी खाने की तलाश में भटकते हुए जंगल से उत्तरी केरल के मलप्पुरम जिले के एक पास के गांव में आ गई थी। वो गलियों में घूम रही थी। इसके बाद कुछ लोगों ने उसे अनानास खिला दिया जिसमें पटाखे भरे थे। पटाखा हथिनी के मुंह में फूट गया और वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। जख्मी होने के बाद भी उसने गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। खुद को राहत देने के लिए यह हथिनी वेलियार नदी पर पहुंच गई और नदी के पानी में मुंह डालकर खड़ी हो गई। शायद इससे उसे थोड़ी राहत मिली। ये मामला तब सामने आया जब एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक से एक भावुक पोस्ट किया जिसमें इस घटना का जिक्र था। उसमें लिखा था कि हथिनी को अपनी मौत का आभास हो गया था, इसीलिए उसने जल समाधि ले ली। इसके साथ ही नदी के पानी में खड़ी हथिनी की तस्वीर भी पोस्ट की। मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे रेस्क्यू करने की कोशिश करते हुए पानी से बाहर निकाला, लेकिन शनिवार को हथिनी ने दम तोड़ दिया। वहीं वन अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही दोषियों को पकड़ा जाएगा और हथिनी का शिकार करने के लिए उन्हें दंडित किया जाएगा। इस घटना ने पूरे सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया है और सभी के दिलों को झकझोर कर रख दिया है। साथ ही इस घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि इंसान से बड़ा और खतरनाक जानवर कोई भी नहीं। न्यूज़ डेस्क।